जियो और महिंद्रा द्वारा 50 नेशनल सेफ्टी कैंप का आयोजन किया गया था। बता दें कि इस कैंप का आयोजन 4 मार्च से हुआ था जो 10 मार्च तक चला, जिसमें काम करने वाले वर्कर्स को सुरक्षित काम करने के तौर तरीके के बारे में ट्रेनिंग दी गई। डिप्टी CMM आनंद अग्रवाल ने बताया कि हम हर साल नेशनल सेफ्टी कैंप का आयोजन करते हैं, जिसमें हम मजदूरों वर्कर्स को सुरक्षित काम करने के बारे में जागरूक करते हैं। इसके साथ ही हम मजदूरों को जरूरी एक्यू पॉइंट्स भी मुहैया कराते हैं। इसी संबंध में आज हमने 50वां नेशनल सेफ्टी कैंप का आयोजन किया और लोगों को जागरूक करने के लिए रैली निकाली। वहीं CMM अजय ओझा ने बताया कि हर साल हजारों मजदूर सेफ्टी की जानकारी न होने के अभाव में अपनी जान गंवा देते हैं। उनके परिवारों की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर होती है और सेफ्टी रूल की जानकारी न होने के चलते किसी न किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं। ऐसे में जियो और महिंद्रा ग्रुप मिलकर ये सेफ्टी अभियान चला रहा है। इसके अंतर्गत सभी वर्कर्स को जरूरी सुरक्षा उपकरणों को चलाने व काम करने के तरीके बताए गए। आज हम लोगों ने 50वां नेशनल सेफ्टी वीक मनाया। ये 1966 में 4 मार्च 1966 को नेशनल काउंसिल की एक स्थापना हुई थी और ये सेफ्टी वीक मनाना सरकारी कंपनियों और प्राइवेट कंपनी सबका जो है उद्देश्य है। इसके माध्यम से हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हर साल हम इसे मनाते हैं और अपने जो वर्कर्स हैं, अपने जो एम्प्लॉय हैं, उनको सुरक्षा के प्रति अवगत कराते हैं। किस तरह की सुरक्षा के प्रति आप अवगत हैं? सुरक्षा सबसे पहले तो अपनी सुरक्षा है। हम लोग अपनी सुरक्षा करेंगे तो अपने समाज की, अपने राष्ट्र की सुरक्षा होगी। दूसरी औद्योगिक जो संस्था है उसकी, उन पर काम करने वाले वर्कर की सुरक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा और जो मिलावटी पदार्थ हैं जो हम लोग जो सेवन करते हैं या गलत चीज़ का सेवन करते हैं उससे अपने बचने के लिए उसकी सुरक्षा के लिए अवगत कराते हैं। सड़क सुरक्षा और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, ये हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोग अपने वर्कर को अवगत कराना। इसके लिए सर आप क्या प्रयास कर रहे हैं? बिल्कुल, हमारा जो अभी 50वां स्थापना दिवस हम मना रहे हैं उसके थ्रू हमारा यही प्रयास है कि जो अपनी ये टीम है इसको सबको अवेयर करें अपनी सुरक्षा के प्रति, अपने इक्विपमेंट की सुरक्षा के प्रति और दूसरों की सुरक्षा के प्रति। तो हमारा यही टारगेट होता है कि अपनी टीम एकदम उसकी अवेयरनेस बढ़े, अपनी सुरक्षा भी कर पाए और दूसरों की सुरक्षा भी करे। किन किन संस्थाओं के साथ मिलकर काम कर रहे हैं आप? नहीं, मैं जियो के लिए काम करता हूँ और जियो में जो अपने जो वर्कर्स हैं, जैसे अभी महिंद्रा है, अभी स्नाइडर है, इनके सब में साथ में काम करते हैं और उनकी जो भी टीम है उनको भी अवेयर कराते हैं और अपनी उनको प्रॉपर पीपी के साथ काम करें, जो इंसुलेटेड टूल है ये सब लेके काम करें, विदाउट पीपी कोई काम नहीं करें। वर्कर के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, सेफ्टी इज फर्स्ट और सेफ्टी के बिना कोई काम नहीं करेगा, ये हमारा वो है। सेफ्टी सबसे पहले अपनी सेफ्टी है, फिर आगे दूसरी शिफ्ट। कब से लगभग ये काम कर रहे हैं आप? मुझे लगभग 15 साल हो गए इस फील्ड में और हम इसको बराबर अपनी टीम को ट्रेंड करते रहते हैं सेफ्टी के प्रति।